Hello students, I welcome all of you in Kenneth Educare. Today we are learning about indices, okay? ये आपका chapter है 7th mathematics का and today is our lecture number 1. तो सबसे पहले हम जान लेंगे इस पूरे chapter में हमें क्या-क्या बातें learn करनी है. सबसे पहले हम देखेंगे base and index क्या होता है. After that उसके rules क्या है, square and cubes क्या होते हैं, multiplication of indices with the same base. अगर यहाँ पर base same हो तो यहाँ पर multiplication कैसे किया जाता है indices का. Then division of indices with the same base कैसे किया जाता है. After that कुछ rules हम यहाँ पर learn करेंगे, the index of the product और quotient of two numbers क्या होता है. And last हम learn करेंगे laws of indices. After that finding the square root of given number. ये सभी बातें हमें learn करनी है इस पूरे chapter में जो आपका नाम है indices. तो आइए आज के इस first lecture को हम start करते हैं. तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम रिकॉल करेंगे, देखिए ईच ऑफ सेवन चिल्ड्रंस वाज गिवन फोर बुक्स. हर एक चिल्ड्रंस को यहाँ पर फोर बुक्स दिया है. सो टोटल नोटबुक यहाँ पर क्या हो जाएगी, देखिए ये फर्स्ट स्टूडेंट्स हो जाएगा, ये सेकंड स्टूडेंट्स, ये थर्ड स्टूडेंट्स, ये फोर्थ, देन फाइव, सिक्स एंड सेवन्थ स्टूडेंट्स यहाँ पर आ जाएगा. हर एक के पास मैंने यहाँ पर फोर 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 यहाँ पर किताबें दी है. सो टोटल नोटबुक कितने हो जाएंगे, फोर प्लस फोर प्लस फोर प्लस फोर प्लस, ऐसे कितने टाइम्स हमें करना पड़ेगा, सेवन टाइम्स फोर करना पड़ेगा. सो आई विल गेट द टोटल नंबर 28 नोटबुक्स. यहाँ पर मुझे कितना मिल जाएगा, 28 नोटबुक मुझे यहाँ पर टोटल मिल जाएगा. सो हियर एडिशन इज द ऑपरेशन दैट इज कैरिड आउट रिपीटेडली. हम यहाँ पर एडिशन करते जा रहे हैं, मतलब देखिए फोर में पहले फोर मिलाया, अगेन फोर मिलाया, अगेन फोर मिलाया, अगेन फोर मिलाया, अगेन फोर मिलाया, वी एड फोर कंटिन्यूसली रिपीटेडली. ओके, सो एडिशन ऑफ सेम नंबर अगेन एंड अगेन कैन बी शोन एज अ मल्टीप्लीकेशन. ये रूल आपको पता है, आपने टेबल्स भी लर्न किए है. टेबल में हम क्या कर, देखिए वन का टेबल मुझे अगर यहाँ पर लिखना, वन छोड़िए आप टू का देखिए अभी, तो टू का टेबल मुझे लिखना हो तो क्या सेम लिखते हैं, देखिए टू वन जा टू यहाँ पर आ जाएगा, टू टू जा यहाँ पर क्या हो जाता है, फोर होता है. तो यहाँ पर देखिए यही नंबर हमने क्या किया, अगेन मल्टीप्लाई किया. इसका मतलब क्या होता है, टू प्लस यहाँ पर देखिए टू वन जा टू मतलब टू प्लस जीरो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा. देन टू प्लस टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा. टू प्लस टू प्लस टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा. टू प्लस टू प्लस हम इसे एडिशन करते हैं ना, तो उसे जगह हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर टू प्लस ऐसे सिक्स हम लिखते हैं क्या, नहीं, टू मल्टीप्लाई बाय थ्री हम यहाँ पर सिक्स लिखेंगे. मतलब यहाँ पर हाउ मेनी टाइम्स आर द टू, तो यहाँ पर थ्री टाइम्स है. सो वी डू द मल्टीप्लीकेशन. सो दैट्स वाई एडिशन ऑफ द सेम नंबर अगेन एंड अगेन कैन बी शोन एज अ मल्टीप्लीकेशन. सो टोटल नोटबुक्स यहाँ पर क्या हो जाएंगे, फोर कितने टाइम्स है, यहाँ पर सेवन टाइम्स है. सो देयर फोर फोर मल्टीप्लाई बाय सेवन वी गेट 28. ओके, तो यहाँ पर एडिशन, यहाँ पर ये जो एडिशन की वाली प्रोसेस है इसे मिनिमाइज करने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, टेबल्स लर्न करते हैं. स्टूडेंट्स आपको टेबल्स 1 to 20 तक मिनिमम तो आपको आने ही चाहिए. ओके, तो ये टेबल अगर आपको अच्छी तरह से रिकॉल है तो आपको कैलकुलेशन में थोड़ा सा आसानी होगी, आपका टाइम यहाँ पर कम बचेगा. ठीक है, सो आपको कम टाइम लगेगा उसमें. ठीक है, मतलब आप ज़्यादा फोकस आपके जो कंसेप्चुअल जो आपके कंटेंट है उसके ऊपर आप दे सकते हो. ठीक है, तो अभी देखिए बेस एंड इंडेक्स होता क्या है. अब तक हमने क्या देखा, यहाँ पर जो एडिशन है ऑफ द सेम नंबर अगेन एंड अगेन कैन बी शो एज अ मल्टीप्लीकेशन. सो मतलब बेस एंड इंडेक्स की जो कंसेप्ट है वो उसी पर ही यहाँ पर बेस है. ठीक है, देखिए लेट अस सी हाउ द मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ नंबर बाय इटसेल्फ सेवरल टाइम्स इज एक्सप्रेस इन अ शॉर्ट. मतलब देखिए टू मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय टू, अब तक हमने क्या देखा, टू यहाँ पर टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू प्लस ऐसे फाइव टाइम्स अगर मैंने लिखा, हम क्या लिखते थे, टू मल्टीप्लाई बाय फाइव. अभी अगर यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय ऐसे रिपीटेडली आ रहा है तो उसे हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे. एडिशन को तो हमने यहाँ पर एक्सप्रेस किया इन द टर्म ऑफ मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लीकेशन को एक्सप्रेस करने लिए हम क्या करेंगे. सो हियर 2 इज मल्टीप्लाइड बाय हाउ मेनी टाइम्स, देर आर द 8 टाइम्स. सो दिस इज रिटर्न एज 2 रेज टू 8 इन शॉर्ट. ओके, इसे क्या कहते हैं हम, यहाँ पर 2 रेज टू मतलब 2 के यहाँ पर जो हेड है उसके ऊपर हमने 8 लिखा, रेज टू उसके ऊपर. So 2 raised to 8 in short, so this is the index form of the multiplication. उसे हम क्या कहेंगे, index form of the multiplication कहेंगे. So here 2 is called the base. यहाँ पर हम जो 2 है उसे कहते हैं base and 8 जो यहाँ पर होता है उसे हम कहते हैं index. Okay, तो इसीलिए आपका chapter का नाम क्या है, indices. जो इंडेक्स यहाँ पर है उसके जो सभी रूल्स है वही हमें इस पूरे चैप्टर में लर्न करने हैं. सो दैट्स व्हाई योर चैप्टर नेम इज इंडाइसेस.
जो यहाँ पर बेस होता है, यहाँ पर मैंने 2 raised to 8 8 लिखा, 2 के जो यहाँ पर हेड है उसके ऊपर 8 लिखा, इसका मतलब ये मेरा बेस होगा, ये नीचे आ जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू मेरी इंडेक्स बनेगी। और जो इंडेक्स है उसे हम यहाँ पर एक्सपोनेंट भी कहते हैं, ठीक है। सो एक्सपोनेंट भी यहाँ पर हो जाएगा, सो 2 raised to 8 यहाँ पर आ जाएगा। सो एग्जाम्पल, 5 multiply by 5 multiply by 5 multiply by 5, हाउ मेनी टाइम्स आर द 5? देर आर द 4 टाइम्स, सो देयरफॉर वी कैन राइट एज 5 raised to 4। ओके, 5 raised to 4 यहाँ पर हो जाएगा। सो हियर 5 raised to 4 इज द इंडेक्स फॉर्म, ये क्या हो जाएगा, इंडेक्स फॉर्म यहाँ पर हो जाएगा। आई बात समझ में? तो जब हम एडिशन करते थे सेम नंबर की रिपीटेडली रिपीटेडली रिपीटेडली, तो हम उसे एक्सप्रेस करते थे इन द टर्म्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन, जितने टाइम्स आ रहा था उतने टाइम्स हमने मल्टीप्लाई किया। अगर यहाँ पर सेम नंबर का मल्टीप्लीकेशन हो तब हम क्या करेंगे, जितने टाइम्स यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन हो रहा है उतना नंबर आपको क्या करना है, इंडेक्स में लिखना है। सो दैट्स वाई जो भी यहाँ पर सेम नंबर है इसका मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं वो बेस में लिखेंगे। एंड हाउ मेनी टाइम्स देर आर द 4 टाइम्स, सो देयरफॉर राइट डाउन 2 raised to 4। ओके, आई बात समझ में? आई थिंक ये कंसेप्ट आपको समझ में आ चुकी होगी, बेस एंड इंडेक्स की। बेस क्या होता है, इंडेक्स क्या होता है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। तो देखिए एक एग्जांपल है, 5 multiply by 5 multiply by 5 multiply by 5, हाउ मेनी टाइम्स आर देयर, देयर आर द 4 टाइम्स, सो हियर 5 raised to 4, इसे क्या कहेंगे आप, यहाँ पर 5 raised to 4, और इसकी फोर्थ पावर यहाँ पर हो जाएगी। आइए क्या पावर है अभी से हम देखना है। सो इज इन द इंडेक्स फॉर्म, सो इन द नंबर 5 raised to 4, 5 इज द बेस, क्या है यहाँ पर 5 क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। एंड उसका ऊपर जो वाली वैल्यू है उसे हम क्या कहते हैं, इंडेक्स कहते हैं या तो एक्सपोनेंट कहते हैं। सो दिस इज रीड एज 5 raised to the power 4। देखिए मैंने यहाँ पे अभी क्या रीड करा था, 5 raised to 4, 5 raised to 4, 5 raised to 8, 2 raised to 8, मैं यहाँ पे क्यों रीड करा था, उसका रीडिंग यहाँ पर होता है 5 raised to the power 4। हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, रेस टू डायरेक्टली कह देते हैं, ठीक है, अगर मुझे फास्ट में बताना हो। देखिए 5 raised to 4, आई बात समझ में? यहाँ पर 5 raised to 4 में क्यों खड़ा था, क्योंकि उसका रीडिंग ही वैसा होता है। सो और द उसे हम कह सकते हैं फोर्थ पावर ऑफ 5, ये क्या है, 5 की फोर्थ पावर है। अभी पावर मतलब ये मल्टीप्लीकेशन में आ रहा है, मतलब 5 multiply by 5 multiply by 5 multiply by 5, सो वी गेट द फोर्थ पावर ऑफ 5। देखिए कितने, ये देखिए फर्स्ट पावर हो गई इसकी, ये सेकंड पावर हो गई, ये थर्ड पावर, और ये फोर्थ पावर। फर्स्ट पावर क्या होती है, उसके 5 हो जाएगी, सेकंड पावर यहाँ पर 10 बन जाएगी, थर्ड पावर यहाँ पर 15 बन जाएगी, एंड फोर्थ पावर यहाँ पर 20 बन जाएगी। यस, तो उसी तरीके से देखिए जब मुझे यहाँ पर रीड करना हो 5 raised to 4, या तो 5 raised to the power 4 या तो फोर्थ पावर 5, तो हम यहाँ पर इसे ही रीड करेंगे। अभी जनरली इफ ए इज एनी नंबर, ए कोई भी नंबर हो सकता है, तो ए मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय देर आर द इन्फिनेट टाइम्स यहाँ पर हो सकता है, या तो एम टाइम्स यहाँ पर हो सकता है। करेक्ट, मुझे यहाँ पर 100 टाइम्स लिखना हो तो एम यहाँ पर उतने टाइम्स यहाँ पर हो जाएगा। सो वी कैन राइट एज ए टू द पावर एम, मतलब फॉर एग्जाम्पल ए मैंने यहाँ पर 100 बार मल्टीप्लाई किया है, सो आई विल राइट ए टू द पावर 100। अगर मैंने 200 टाइम्स लिखा है, सो ए टू द पावर 200। अगर मैंने यहाँ पर 500 टाइम्स लिखा है, तो ए टू द पावर 500 ऐसे बनेगा। सो रीड ए टू द ए रेस टू एम एज ए रेज टू द पावर एम और द एम्थ पावर ऑफ ए। सो हियर एम इज द नेचुरल नंबर, एम क्या है यहाँ पर, नेचुरल नंबर है, बिकॉज ये क्या है, हम यहाँ पर काउंट कर रहे हैं ना बच्चों। देखिए यहाँ पर फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये काउंटिंग नंबर्स हो जाएगा, सो दैट्स वाई वी कॉल्ड एज अ नेचुरल नंबर्स। सो 5 raised to 4 इज इक्वल टू 5 multiply by 5 multiply by 5 multiply by 5। चलो जल्दी से मल्टीप्लीकेशन करिए, जल्दी से 5 5 25 25 5 जा, एंड यहाँ पर जो वैल्यू आती है उसे 5 जा, सो वी गेट 625। और द वैल्यू ऑफ द पावर 5 to the power 5 raised to the 4, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 625 यहाँ पर हो जाएगा, मतलब फोर्थ पावर ऑफ 5 इज 625। तो उसी तरीके से अगर यहाँ पर बेस में रैशनल नंबर आए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो -2/3 raised to 3, इसका मतलब -2/3 multiply by -2/3 multiply by -2/3। यहाँ पर अगर रैशनल नंबर आते हैं, मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लीकेशन। सो -2 multiply by -2 वी गेट +4, अगेन +4 multiply by -2 वी गेट -8, तो यहाँ पर आ जाएगा -8, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, सो वी गेट द -8/27। सो मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ -2/3 raised to 3, या तो थर्ड पावर ऑफ द -2/3 इज हाउ मच, इट इज द -8/27।
27. सो नोट दैट 7 टू द पावर 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 7 ही होगा, करेक्ट, बिकॉज 7 टू द पावर 1 मतलब एक बार ही है. सो इट्स वैल्यू इज 7. सो 10 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 10. द फर्स्ट पावर ऑफ एनी नंबर इज दैट नंबर इटसेल्फ. मतलब मैंने यहाँ पर -2/3 रेशो 1 लिखा, तो यहाँ पर उसका वही नंबर हो जाए, तो दैट्स वाई हम यहाँ पर 1 लिखते नहीं. ठीक है, मतलब -2/3 इसके इंडेक्स से ऊपर 1 होता ही है, या भूलेंगे नहीं आगे. ठीक है, सो इफ द पावर ऑफ और इंडेक्स ऑफ अ नंबर 1, द कन्वेंशन इज नॉट टू राइट इट. हम उसे लिखते नहीं. आपने कभी देखा होगा कैसे a टू द पावर 1 लिखा है, नहीं, हम डायरेक्टली उसे क्या लिखते हैं, a ही लिखते हैं. इसका मतलब हमें पता चलता है कि इसके इंडेक्स के ऊपर कौन है, यहाँ पर 1 है. ठीक है, सो दस 5 टू द पावर 1 इज इक्वल टू बी राइट एज 5 एंड 8 टू द पावर 1 इज इक्वल टू बी राइट एज a. ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए स्क्वायर एंड क्यूब. अभी हमने यहाँ पर देखा पावर देखी, यस करेक्ट, रेस टू वैल्यू देखा, मतलब इंडेक्स क्या होता है, बेस क्या होता है, तो हमें यहाँ पर लर्न करना है स्क्वायर एंड क्यूब. तो स्टूडेंट्स ये जो स्क्वायर है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया आपको टेबल्स रिकॉल करने हैं, वैसे ही आपको अभी स्क्वायर एंड क्यूब भी रिकॉल करके रखने हैं फ्रॉम द पॉइंट फ्रॉम द नंबर 1 to 25 फॉर द स्क्वायर एंड फ्रॉम द 1 to 10 क्यूब भी आपको यहाँ पर रिकॉल करके रखने हैं, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है. बट ये स्क्वायर एंड क्यूब होते क्या है, आइए उसे देखते हैं. यहाँ पर अगर बेस में 3 हो एंड रेस 2 में इसकी पावर अगर 2 हो, इसका मतलब क्या होता है, 3 × 3. यहाँ पर हमने कितने टाइम्स यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर करेक्ट, इट्स द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 टाइम्स. सो देयरफॉर 3 raised to 2 इज रीड एज 3 raised to 2 और 3 square और square ऑफ 3. ये क्या है, 2 मतलब ये क्या होता है, स्क्वायर होता है कि नहीं, करेक्ट, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्क्वायर. इसका नाम क्या होता है, स्क्वायर. जब हम यहाँ पर कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर से अगेन, मतलब ये क्या हो जाता है, ये स्क्वायर होता है. सो देयरफॉर वी कैन रीड एज 3 square और स्क्वायर ऑफ 3. सो दैट्स वाई दिस नंबर वी कॉल्ड एज स्क्वायर. एंड सिमिलरली इफ वी मल्टीप्लाई बाय 3 times, मतलब यहाँ पर इंडेक्स में अगर 3 आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, क्यूब कहते हैं. सो 5 3 इज रीड एज द 5 raised to 3 और 5 cube और क्यूब ऑफ 5. सो 5 3 इज इक्वल टू क्या होता है, 5 × 5 × 5 वी गेट द वैल्यू 125. उसी तरह यहाँ पर 3 × 3 वी गेट 9. सो देयरफॉर उसी तरीके से आपको देखिए स्टूडेंट्स, फ्रॉम द 1 to 25 सभी के स्क्वायर नंबर्स आपको पता होने चाहिए, सभी के क्यूब नंबर आपको यहाँ पर पता होने चाहिए. आई बात समझ में, स्क्वायर क्या होते हैं, क्यूब क्या होते हैं. स्क्वायर मतलब क्या होगा, यहाँ पर जो भी यहाँ पर नंबर है, यहाँ पर इंडेक्स में अगर 2 हो एंड बेस में यहाँ पर एक कोई नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, तो कोई भी यहाँ पर इंटीजर्स हो, तो उसका यहाँ पर क्या होता है, जिसकी जो पावर है सेकेंड पावर वी कॉल्ड एज अ स्क्वायर. एंड यहाँ पर अगर थर्ड पावर आती है तो उसे हम क्या कहते हैं, क्यूब कहते हैं. आई बात समझ में, सेकेंड पावर को हम कहेंगे स्क्वायर एंड थर्ड पावर को हम कहेंगे यहाँ पर क्यूब. ओके, सो रिमेंबर, ध्यान में क्या रखेंगे, द सेकेंड पावर ऑफ एनी नंबर इज द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर एंड द थर्ड पावर ऑफ एनी नंबर इज द क्यूब ऑफ दैट नंबर. ओके, तो आइए जस्ट यहाँ पर कुछ नंबर्स के हम स्क्वायर अब देखते हैं, अभी क्यूब भी देखते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे 1 का स्क्वायर. 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 × 1 वी गेट 1. 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 × 2 इज इक्वल टू 4. देन उसके बाद 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 × 3 वी गेट 9. 4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 × 4 इज इक्वल टू 16. देन 5th का स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पर 5 × 5 वी गेट 25. देन 6th का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6 × 6 वी गेट 36. देन 7 का यहाँ पर स्क्वायर होता है 49. 8th का स्क्वायर होता है यहाँ पर 64. 9th का स्क्वायर होता है 81. 10th का स्क्वायर होता है यहाँ पर 100. ठीक है, तो ये सभी वैल्यू आपको यहाँ पर रिकॉल होनी चाहिए, मतलब डायरेक्टली ऐसे मल्टीप्लाई करते नहीं बैठना है आपको. 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, ऐसे रिकॉल होने चाहिए जल्दी से जल्दी. ठीक है, देन अभी हम देखते हैं क्यूब. अभी क्यूब में यहाँ पर जैसे आपको 1 to 5 ही दूंगा. ठीक है, सो 1 का क्यूब यहाँ पर 1 ही होगा. वाई, सो 1 × 1 × 1 वी गेट 1. 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 2 यहाँ पर आ जाता है 8, बिकॉज 4 × 2 = 4, 4 × 2 = 8. 3 का क्यूब क्या होगा, 3 × 3 × 3 वी गेट 27. 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27.
फोर का क्यूब क्या होगा, फोर मल्टीप्लाई बाय फोर मल्टीप्लाई बाय फोर, फोर फोर ज़ा सिक्सटीन, सिक्सटीन फोर ज़ा सिक्सटी फोर। एंड फाइव का क्यूब क्या होता है, फाइव मल्टीप्लाई बाय फाइव मल्टीप्लाई बाय फाइव, यहाँ पर आ जाएगा फाइव फाइव ज़ा ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी फाइव फाइव ज़ा वन ट्वेंटी फाइव यहाँ पर बनेगा। सो वी गेट फाइव का क्यूब यहाँ पर 125। सो दैट्स वाई फिर से रिकॉल करते हैं, द सेकेंड पावर ऑफ एनी नंबर इज द स्क्वेयर ऑफ दैट नंबर एंड द थर्ड पावर ऑफ एनी नंबर इज द क्यूब ऑफ दैट नंबर। आई बात समझ में? सो तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंडाइसेस विद द सेम बेस, मतलब यहाँ पर बेस सेम है, इंडेक्स में कोई नंबर यहाँ पर होगा तो उनका मल्टीप्लीकेशन कैसे किया जाता है, आइए उसे रिकॉल करते हैं, उसे देखते हैं। सो टू द पावर फोर या तो फोर्थ पावर ऑफ टू, थर्ड पावर ऑफ टू मतलब क्या होगा, टू रेस टू फोर इज इक्वल टू टू मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय टू, एंड टू द पावर थ्री मतलब टू मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय टू, कितने टाइम्स यहाँ पर हो जाएगा, देखिए टू मल्टीप्लाई फोर मल्टीप्लाई बाय टू टू द पावर थ्री, तो ये फर्स्ट फोर हो गए, देन अगेन ये थ्री आ गए। सो दैट्स वाई इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर इन सभी को हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, टू द पावर सेवन लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं, बिकॉज इसे अगर हम यहाँ पर टू द पावर फोर लिख सकते हैं तो यहाँ पर सेवन टाइम्स है, तो यहाँ पर टू द पावर सेवन लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे यहाँ पर सेवन आ रहा है, सेवन कहाँ से आ रहा है, देखिए यहाँ पर फोर प्लस थ्री अगर करेंगे तो ऑल्सो वी गेट द सेवन। सो दैट्स वाई वेन वी मल्टीप्लाई द इंडाइसेस विद द सेम बेस, तो यहाँ पर उनके जो इंडेक्स है उनकी एडिशन होती है। सो टू मल्टी टू द पावर फोर मल्टीप्लाई बाय टू द पावर थ्री, सो यहाँ पर टोटल आंसर क्या हो जाएगा, टू द पावर फोर प्लस थ्री वी गेट टू द पावर सेवन। ओके सेवन यहाँ पर पावर हो जाएगी टू की। तो आई बात समझ में यहाँ पर एग्जाम्पल में, और एक एग्जाम्पल देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, माइनस थ्री स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय माइनस थ्री क्यूब। अभी मैं यहाँ पर टू होगा तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली स्क्वायर कहूंगा, अगर यहाँ पर थ्री है तो डायरेक्टली मैं क्यूब कहूंगा, ठीक है। तो सेकंड पावर ऐसे नहीं कहते हम डायरेक्टली, अगर यहाँ पर टू हो तो स्क्वायर कहते हैं, अगर यहाँ पर थर्ड पावर तो डायरेक्टली हम क्यूब ही कहते हैं, थर्ड पावर ऐसे ज्यादातर हम नहीं कहते। आई बात समझ में? सो देयरफॉर स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस थ्री का, तो माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाय माइनस थ्री एंड मल्टीप्लाई बाय क्यूब मतलब माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाय माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाय माइनस थ्री, हाउ मेनी टाइम्स, वन टू थ्री फोर फाइव, सो देयरफॉर माइनस थ्री द पावर फाइव यहाँ पर आ जाएगा। देखिए आ गया यहाँ पर, यस सेम आ गया, ये फाइव कहाँ से आ गया, टू प्लस थ्री यहाँ पर फाइव होता है, सो दैट्स वाई माइनस थ्री इंडेक्स में टू प्लस थ्री वी गेट माइनस थ्री टू द रेस टू द पावर फाइव। ओके सो यहाँ पर इंडेक्स जो है उनकी एडिशन होगी, कब यहाँ पर एडिशन होगी, जब यहाँ पर बेस सेम हो, ये भूलना नहीं है। अगर यहाँ पर माइनस थ्री टू पावर टू देन मल्टीप्लाई बाय माइनस फोर टू पावर थ्री होगा तो आप यहाँ पर इसे नहीं लिख सकते। ओके इनके एडिशन आप यहाँ पर नहीं कर सकते, कब करेंगे, अगर यहाँ पर बेस वैल्यू अगर यहाँ पर सेम हो तभी आप ये वाला रूल यूज कर सकते हो। ओके नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर रैशनल नंबर का है, तो माइनस टू अपॉन फाइव टू द पावर टू मतलब सेकेंड पावर एंड क्यूब ऑफ माइनस टू अपॉन फाइव, वी कैन राइट एज दिस वैल्यू टू टाइम्स, यहाँ पर टू टाइम्स बन गई एंड ये वैल्यू यहाँ पर थ्री टाइम्स बन गई, सो वी कैन राइट एज टू प्लस थ्री फाइव, सो माइनस टू अपॉन फाइव टू द पावर फाइव यहाँ पर आ जाएगी। सो दैट्स वाई देयरफॉर वी कैन राइट एज डायरेक्टली माइनस टू अपॉन थ्री रेस टू टू प्लस थ्री वी गेट माइनस टू अपॉन फाइव टू द पावर फाइव। ओके सो नेक्स्ट वन देखिए अभी, सो हमें यहाँ पर क्या पता चला, इफ ए इज अ रैशनल नंबर एंड एम एंड एन आर पॉजिटिव इंटीजर्स देन ए टू द पावर एम मल्टीप्लाई बाय ए टू द पावर एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए टू द पावर एम प्लस एन होता है, ये भूलेंगे नहीं, ये एक इंपॉर्टेंट रूल है, जल्दी से आपके नोटबुक में लिख लीजिए। ओके ए टू द पावर एम मल्टीप्लाई बाय ए टू द पावर एन इज इक्वल टू ए टू द पावर एम प्लस एन, ये क्या कहता है, बेस वैल्यू यहाँ पर सेम होनी चाहिए, ये कोई भी हो सकता है, एक ही जगह पर वन हो सकता है, टू हो सकता है, 49 हो सकता है, 94 हो सकता है, 102 हो सकता है, कोई भी नंबर, बट यहाँ पर बेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इंडेक्स में भी यहाँ पर एम एंड एन कोई भी नंबर हो सकता है, ए यहाँ पर क्या हो सकता है, ए यहाँ पर कोई भी रैशनल नंबर एंड एम एंड एन यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर्स, सो देन वी कैन राइट एज ए टू द पावर एम प्लस एन, मतलब इंडेक्स की हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे कब, अगर यहाँ पर इनका मल्टीप्लीकेशन हो, बेस सेम हो, ये रूल आप भूलेंगे नहीं। ओके सो नेक्स्ट वन, तो अभी डिविजन ऑफ इंडाइसेस विद द सेम बेस, हमने अभी क्या देखा, मल्टीप्लीकेशन देखा, अभी डिवीजन में क्या होता है देखिए, सो माइनस सिक्स टू द पावर फोर डिवाइडेड बाय सिक्स टू द पावर टू मतलब स्क्वायर यहाँ पर है,
तो 6 to the power 4 कैन बी राइट एज 6 4th power of 6 अपॉन स्क्वेयर ऑफ 6 हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं, डिवीजन को मैंने यहाँ पर ऐसे लिखा है। तो यहाँ पर हम देखिए 6 to the power 4 मतलब 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन 6 स्क्वेयर ऑफ 6 मतलब 6 मल्टीप्लाई बाय 6। अभी यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन का साइन है, करेक्ट, सो दैट्स वाई कैन आई राइट 6 अपॉन 6, एक 6 मैंने यहाँ पर लिया मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन 6 सेकेंड लिया और ये रिमेनिंग 2 यहाँ पर आ जाएंगे। क्या मैं इसे लिख सकता हूँ? यस लिख सकता हूँ। यहाँ पे देखिए मल्टीप्लीकेशन है तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जस्ट मैंने उसका रिवर्स कर दिया, मैंने क्या किया एक एक बेस को यहाँ पर ले लिया, तो 6 अपॉन 6 6 अपॉन 6 मल्टीप्लाई बाय, इस दोनों को यहाँ पर बेस नहीं है तो यहाँ पर ये यहाँ पर अपॉन वन हो सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर अपॉन 1 और यहाँ पर अपॉन 1 होगा तो इसका आप अगेन देखिए ट्राई करके ये आता है कि नहीं, येस आएगा बिकॉज 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन 6 मल्टीप्लाई बाय 6 हो जाएगा, करेक्ट, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से, सो दैट्स वाई कैन राइट एज, अभी देखिए 6 वन जा 6 6 वन जा 6 तो यहाँ पर आ गया 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 एंड वी गेट 6 to the power 2। यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो इससे हमें क्या पता चलता है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर 4 है यहाँ पर 2 है तो ये कैसे आया होगा? अगर हम यहाँ पर देखें 6 to the power 4 divided by 6 to the power 2 इज इक्वल टू, इनकी इंडेक्स की अगर यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करें मतलब 6 to the power 4 minus 2 वी कैन गेट स्क्वेयर ऑफ 6। यस, सो देयरफॉर इन डिवीजन हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। ओके, मल्टीप्लीकेशन हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, एंड डिवीजन में हम करते हैं यहाँ पर सब्ट्रैक्शन। ओके, अनदर एग्जांपल देखिए, ये वाला एग्जांपल क्या है, ये वाला है -2 to the power 5 divided by -2 to the power 3, सो इजी वाले देखिए हम क्या इसे लिख सकते हैं, -2 to the power 5 upon -2 to the power 3 लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। तो -2 multiply by -2 multiply by -2 multiply by -2 upon -2 multiply by -2 multiply by -2, करेक्ट। तो अभी देखिए हमने यहाँ पर ऐसे लिखा तो डायरेक्टली आप यहाँ पर कर सकते हो, -2 and -2 गेट कैंसल, 1 and 1 कैंसल, दिस वन ऑल्सो कैंसल, सो देयरफॉर -2 multiply by -2 यहाँ पर बचा, सो वी कैन राइट एज -2 to the power 2 यहाँ पर आ जाएगा, डायरेक्टली कैन बी राइट एज -2 to the power 5 divided by -2 to the power 3 इज इक्वल टू क्या होगा, करेक्ट, इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाता है -2 5 -3 एंड वी गेट -2 to the power 2 यहाँ पर बन जाएगा। आई थिंक ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया। सो डिवीजन ऑफ इंडाइसेस विद द सेम बेस, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इंडेक्स की यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो मुझे ये यहाँ पर पता चला, इफ ए इज अ एनी नॉन जीरो रैशनल नंबर, एम एंड एन आर पॉजिटिव इंटीजर्स, एंड इम्पॉर्टेंट, एम अगर यहाँ पर एन से बिगर वन हो, ज़्यादा हो, सो ए टू द पावर एम अपॉन ए टू द पावर एन इज इक्वल टू ए टू द पावर क्या हो जाएगा, एम माइनस एन, मतलब यहाँ पर देखिए 2 to the power 6 upon 2 to the power 4 है, एम यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है, यहाँ पर 6 हो गया, एन यहाँ पर कोई भी नंबर, यहाँ पर 4 हमने लिया एंड ए यहाँ पर 2 लिया है, सो दैट्स वाई वी कैन राइट एज 6 to the power 6 minus 4 एंड वी गेट द आंसर 2 to the power 2 मतलब स्क्वेयर ऑफ 2 यहाँ पर बनेगा। ये रूल आपको समझ में आ गया। सो इफ ए इज अ नॉन जीरो रैशनल नंबर, एम एंड एन आर पॉजिटिव इंटीजर्स एंड एम इज ग्रेटर दैन एन, देन ए टू द पावर एम अपॉन ए टू द पावर एन इज इक्वल टू ए टू द पावर एम माइनस एन यहाँ पर बन जाता है। आई बात समझ में? यस। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। यहाँ पर देखिए द मीनिंग ऑफ ए टू द पावर 0 क्या होगा, मीनिंग ऑफ ए टू द पावर माइनस एम क्या होगा, ए टू द पावर माइनस एम या तो ए टू द पावर माइनस वन क्या होता है, आइए देख लेते हैं जल्दी से। देखिए ए इज नेवर इक्वल टू 0, यहाँ पर कभी भी नहीं हो सकता है, देन ए टू द पावर एम अपॉन ए टू द पावर एम मतलब क्या होगा, देखिए 2 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, यहाँ पर 2 1 जा 2 यहाँ पर बनता है, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 1 जा 2 1 जा, सो वी गेट 1, सो दैट्स वाई अगर यहाँ पर ए टू द पावर एम अपॉन ए टू द पावर एम इज इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, ऑल्सो ए टू द पावर एम अपॉन ए टू द पावर एम इज इक्वल टू क्या बन जाता है यहाँ पर स्टूडेंट्स, ए टू द पावर एम माइनस एम इज इक्वल टू वी गेट ए टू द पावर 0।
सो दैट्स वाई। आई बात समझ में, अभी आपको समझ में आ गया। देखिए सबसे पहले हमने क्या, हमें फाइंड आउट करना था ए टू द पावर जीरो। तो ए टू द पावर एम अपॉन ए टू द पावर एम क्या होता है, वन होता है। एंड अल्सो ए टू द पावर एम अपॉन ए टू द पावर एम, हमने अभी रूल क्या देखा डिवीजन का, उनका हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्शन करते हैं। सो एम माइनस एम क्या होगा, टू माइनस टू, यहाँ पर जीरो होता है। सो ए टू द पावर जीरो आ गया। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन, बोथ द इक्वेशन, दिस करें इसे इक्वेशन नंबर वन कहे, इसे इक्वेशन नंबर टू कहे, यहाँ पर इसकी वैल्यू वन आ रही है, यहाँ पर इसकी वैल्यू ए टू द पावर जीरो आ रही है। सो दैट्स वाई वी कैन डायरेक्टली राइट एज ए टू द पावर जीरो इज इक्वल टू वन। ओके, ये बात आप आपके नोटबुक में लिख के रखिए, ए टू द पावर जीरो क्या होता है, वन होता है। ये बात आपको आने वाले स्टैंडर्ड में यूज होने वाली है, ए टू द पावर जीरो। आप कहीं पे भी आप देखेंगे, साइंस में भी ये ए टू द पावर मतलब टू टू द पावर जीरो, 49 रेस टू द पावर जीरो, कोई भी नंबर उसकी पावर जीरो है उसका वैल्यू क्या होता है, वन ही होता है। ये कंसेप्ट को भूलने नहीं है। देन द मीनिंग ऑफ ए टू द पावर माइनस एम क्या होता है, देखिए ए टू द पावर माइनस एम इज इक्वल टू, क्या हम यहाँ पर ए टू द पावर माइनस एम मल्टीप्लाई बाय वन लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। देन क्या मैं यहाँ पर 1 के जगह पर a टू द पावर m एंड a टू द पावर m ऐसे लिख सकता हूँ, यस लिख सकता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने वही तो लिखा है, सो जस्ट 1 के जगह पर मैंने ये वैल्यू पुट कर दी। देन आफ्टर दैट a टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय a टू द पावर m क्या हो जाएगा, a टू द पावर माइनस m प्लस m गेट कैंसल, तो यहाँ पर बनता है जीरो। सो a टू द पावर जीरो अपॉन a टू द पावर m एंड वी गेट a टू द पावर जीरो की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पर पुट करिए तो 1 अपॉन a टू द पावर m हो जाता है। इसका मतलब अगर यहाँ पर कोई भी वैल्यू है उसकी इंडेक्स अगर निगेटिव में हो तो उसे हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन a टू द पावर m लिख सकते हैं। उसी तरह यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, 2 टू द पावर माइनस 3 है, सो वी कैन राइट एज 1 अपॉन 2 क्यूब, हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर इंडेक्स अगर निगेटिव में हो तो उसे हम यहाँ पर ऐसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए 2 टू द पावर माइनस 6 है, तो वी कैन राइट एज 1 अपॉन 2 टू द पावर 6 यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, तो a टू द पावर माइनस m इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन a टू द पावर m हो जाएगा। ये भी आपका इंपॉर्टेंट रूल बन जाता है। अभी a टू द पावर m इज इक्वल टू 1 अपॉन a टू द पावर m, सो दैट्स वाई अगर a टू द पावर माइनस 1 हो, अगर m के जगह पर मैंने 1 लिखा तो इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन a होगा, a टू द पावर 1 हम इसे नहीं लिखते, सो दैट्स वाई 1 अपॉन a बनता है। अभी देखिए a मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन a इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। सो दैट्स वाई अगर हम यहाँ पर a मल्टीप्लाई बाय a टू द पावर यहाँ पर माइनस 1 हो तो उसके वैल्यू क्या होता है, आंसर क्या होता है, 1 यहाँ पर होता है। ओके, यहाँ पर 1 है, ये माइनस 1 है, मल्टीप्लीकेशन हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। सो दैट्स वाई देखिए a टू द पावर 1 प्लस इन ब्रैकेट माइनस 1, तो a टू द पावर 0 बन गया, a टू द पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, सो दैट्स वाई यहाँ पर आंसर आ जाता है 1। और यू कैन डायरेक्टली से लाइक दैट a मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन a, a गेट कैंसल, 1 यहाँ पर आंसर बना। सो देयरफॉर a माइनस a टू द पावर माइनस 1 इज द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ a। ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हो जाएगा किसका, a का। तो a का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है, a का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स यहाँ पर होता है 1 अपॉन a। जैसे हमने अभी देखा पिछले चैप्टर्स में 7 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स 1 अपॉन 7, 8 अपॉन 7 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स 7 अपॉन 8। तो उसी तरह अगर यहाँ पर a टू द पावर 2 हो तो इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 अपॉन a टू द पावर 2, और वी कैन राइट एज 1 अपॉन a टू द पावर 2 a टू द पावर माइनस 2। ओके, आई बात समझ में। सो दस द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 5 अपॉन 3 इज 3 अपॉन 5। इसका मतलब 5 अपॉन 3 रेस टू माइनस 1 इज इक्वल टू क्या बनेगा, 3 अपॉन 5। ओके, देखिए 5 अपॉन 3 रेस टू माइनस 1 है, तो इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है 5 अपॉन 3 का, यहाँ पर 3 अपॉन 5 बनेगा। तो यही तो बात हमने लिखा है, यस समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्या होते हैं, ये रूल्स क्या होते हैं, तो हमने अभी क्या लर्न किया, डिवीजन ऑफ इंडाइसेस विद द सेम बेस। ओके, तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल है, लेट अस कंसीडर 4 अपॉन 7 रेस टू यहाँ पर माइनस 3 है, एंड डॉट देखिए हमें यहाँ पर क्या करना है इसका, तो 4 अपॉन 7 रेस टू माइनस 3, देन डॉट 4 अपॉन 7 रेस टू माइनस 3 यहाँ पर दिया है। इसका मतलब 1 अपॉन 4 अपॉन 7 होगा,
ठीक है, देखिए इसका आंसर यहाँ पर, ये आंसर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो 4/7 रेज टू -3 इसका मतलब क्या होता है, 7/4 रेज टू 3 होता है, अभी हमने देखा था, फिर से देखिए, 1/4/7 × 4/7 × 4/7 क्यों लिखा, बिकॉज 8^-3 होगा तो हम क्या लिखते हैं, 1/8^3 लिखते हैं। तो उसी तरह अगर एक जगह पर 4/7 है तो मुझे यहाँ पर एक जगह पर 4/7 लिखना पड़ेगा। यस लिखा, सो दैट्स वाई 1/4 4/7 × 3 मतलब 4/7 × 4/7 × 4/7 एंड अगेन 4 4 16 एंड 4 का क्यूब क्या होता है यहाँ पर, करेक्ट 64 एंड 7 का क्यूब होता है 343, सो दैट्स वाई 1/64/343 इसे मुझे ऊपर लेके आना है। तो यहाँ पर अगर डिवीजन में यहाँ पर फ्रैक्शन वैल्यू होती है तो हम क्या करते हैं, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालते हैं। सो देयर फोर 1/346/64 एंड वी कैन राइट एज 346/64, 346 मतलब ये है 7 का क्यूब एंड ये हो जाएगा 4 का क्यूब, सो दैट्स व्हाई वी कैन डायरेक्टली राइट एज 7/4 टू पावर 3। अभी जो हमने रूल देखा डायरेक्टली आप उसे लिख सकते हैं यहाँ पर आंसर। ओके, सो दैट्स व्हाई हेंस वी गेट द रूल दैट इफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, बी इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब ए एंड बी यहाँ पर 0 नहीं है एंड m इज अ पॉजिटिव इंटीजर, अगर यहाँ पर m जो है पॉजिटिव इंटीजर हो दे a/b रेज टू -m इज इक्वल टू क्या बनता है, b/a रेज टू m, यहाँ पर पॉजिटिव m बनता है। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, सो लेट अस सी वॉट रूल वी गेट बाय ऑब्जर्विंग द फॉलोइंग एग्जाम्पल। 3^4 / 3/6 होता है, तो बच्चों यहाँ पर देखिए 3^4 / 3/6 यहाँ पर क्या है, जो m वैल्यू है ये ग्रेट यहाँ पर स्मॉलर है एज कम्पेयर टू n। हम यहाँ पर डायरेक्टली से लिख सकते हैं क्या 3^4 - 6, यस लिख सकते हैं, बट इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, सो वी गेट 3^-2। अभी हमने देखा 3^-2 मतलब 1/3^2, यस देखा, यस करेक्ट आ रहा है कि नहीं, यस आ रहा है, वही रूल हमने यूज किया, सो देयरफॉर 1/3^2, सो दैट्स व्हाई 3^4 / 3/6 इज इक्वल टू 3^4 - 6, वी गेट 3^-2 और वी कैन राइट एज 1/3^2। उसी तरीके से 3/5 / 2 मतलब स्क्वेयर ऑफ 3/5 / 3/5 का यहाँ पर रेस टू 5 है, फिफ्थ पावर है, सो वी कैन राइट इन दिस फॉर्म, सो 3/5 × 3/5 × 3/5 × 3/5 × 3/5 × 3/5 × 3/5 × 3/5, सो एक एक कैंसल, एक एक कैंसल, तो यहाँ पर बचे 3 ही ओनली, सो यहाँ पर 3 को लिखिए 1/, सो दैट्स वाई 1/3/5 / 3 यहाँ पर बनता है, सो दैट्स वाई 3/5 / 3/5 फिफ्थ पावर इज इक्वल टू 2 - 5 इज इक्वल टू वी गेट 3/5 / -3 एंड 8^-3 क्या होता है 1/a, सो दैट्स वाई 1/3/5 / 3 यहाँ पर बनेगा इसका आंसर। ओके, आई बात समझ में, तो 1/3/5 / 3 मतलब 3/5 - 3 यहाँ पर बन जाएगा। ओके एंड अगेन वी कैन राइट एज 5/3/3। ओके यहाँ पर ये भी हम लिख सकते हैं, आई बात समझ में, कंसेप्ट आ गई आपके समझ में अभी, यस करेक्ट। ओके तो स्टूडेंट्स मुझे यहाँ पर क्या पता चला, सो इफ ए इज अ रैशनल नंबर, ए यहाँ पर रैशनल नंबर है एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड एम एंड एन आर पॉजिटिव इंटीजर्स, देन a^m / (a^n) / (a^m)/(a^n) हो सो इज इक्वल टू क्या बनता है, a^m - n यहाँ पर बनता है, करेक्ट, यस। तो आई थिंक ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गई, देखिए स्टूडेंट्स तो यहाँ पर कुछ बातें लर्न करते हैं और, सो ऑब्जर्व दैट हैपन्स इफ द बेस -1 हो एंड द इंडेक्स इज अ होल नंबर। ओके तो -1 रेज टू 6 मतलब क्या होगा, -1 × -1 - 1 × -1 × -1 मतलब 1 1 1 वी गेट 1
एंड अगर यहाँ पर ऑड नंबर हो 5 हो, देखिए यहाँ पर -1 × -1 वी गेट 1, -1 × -1 वी गेट पॉजिटिव 1, एंड यहाँ पर नेगेटिव नंबर सो वी गेट द नेगेटिव वैल्यू। इसका मतलब अगर यहाँ पर इंडेक्स में, अगर यहाँ पर देखिए बेस में नेगेटिव वैल्यू हो, नेगेटिव इंटीजर हो, एंड उसके इंडेक्स में अगर यहाँ पर इवन नंबर हो तो इसका प्रोडक्ट यहाँ पर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। एंड अगर इंडेक्स में अगर यहाँ पर ऑड नंबर हो एंड बेस में यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर हो तो उसकी जो आंसर होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। सो दैट्स वाई इफ m इज इवन नंबर देन -1 to m इज इक्वल टू 1 होगा, एंड इफ m इज एन ऑड नंबर देन -1 to m इज इक्वल टू निगेटिव नंबर होगा। आई बात समझ में? यस। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने क्या क्या लर्न किया? आज के इस लेक्चर में हमने फर्स्ट स्टार्टिंग किया व्हाट इज मीन बाय इंडेक्स, इंडाइसेस का चैप्टर क्यों है, उसका हमने बेस यहाँ पर लर्न किया, ठीक है। तो बेस भी क्या होता है वो भी हमने देखा था, इंडेक्स क्या होता है वो भी हमने देखा। देन आफ्टर दैट हमने स्क्वायर एंड क्यूब देखा, उसे लर्न किया, मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंडाइसेस विद द सेम बेस देखा, उसके कुछ एग्जाम्पल्स देखे। देन आफ्टर दैट हमने डिविजन ऑफ इंडाइसेस विद द सेम बेस कंसेप्ट लर्न की, उसके कुछ रूल्स देखे, करेक्ट। सो आफ्टर दैट इन लास्ट हमने क्या देखा, माइनस वन का जो रूल था उसकी जो पावर है, अगर इवन एंड ऑड हो तो उसका आंसर क्या होता है, ये भी कंसेप्ट हमने लर्न की। तो आई थिंक ये सभी कंसेप्ट आपको समझ में आ चुकी होंगी। तो आज के लिए हम यहाँ पर ही रुक रहे हैं। थैंक यू।